Hello everyone, this is me Haram Sheikh and you're watching me on Runway Pakistan and I am back yet another celebrity interview. Jinka aaj main interview lene ja rahi hoon, aapne recently unko Dunk mein dekha hai. जी और जलन में भी देखा है. जब जलन की बात करें तो उनको स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था. एज अ व्यूअर जब मैंने जलन देखा था तो आई वाज लाइक डूड वी डोंट नीड दिस कैरेक्टर. बट जब हम लोग एंड की तरफ जाते गए देन आई रियलाइज्ड ओ माय गॉड आई एक्चुअली बैडली नीडेड दिस कैरेक्टर. जी हाँ, जिनसे मैं मिलवा रही हूँ अभी आप उनको रिसेंटली आजमाइश में देख रहे हैं, जिसमें यशमा गिल ने उनको आजमाइश में डाला हुआ है. मैं आपको मिलवा रही हूँ फाश शेख से. अस्सलाम वालेकुम फाश शेख. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? I'm good. How are you? I'm good जी, आप बताएं. तो अगर हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करें तो आपको जब जलन ऑफर हुआ था, जब आपको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा था, आप क्रिटिसिज्म को किस तरीके से फेस करते हैं? यू लाइक ओके डू जस्ट गो विद द फ्लो, या फिर आप उसको लाइक नोट करते हो? To be honest, I remember, मैं normally नहीं पढ़ता comments वगैरह क्या लिखे गए, because लोगों को नहीं पता होता कि story कैसे unfold होनी है. लेकिन there was a particular incident जहाँ I saw some reviews जो लोग बैठ के बात करते हैं, तो जब उन्होंने कहा तो that hit me a bit. तो मैंने कहा यार ये तो people are not liking it. लेकिन again आपको पता होता है कि story क्या है, where I stand, what I did, nobody knew. Only me and the directors know. Even the other cast members, जो लोग होते हैं उनके सीन नहीं होते, so they have no clue कि मैंने क्या किया है. So I was waiting for that and अल्लाह का करम है, which I was expecting कि ये ऐसा होगा, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसे ही किया and tables have turned. अच्छा, तो शुरू से एक्टिंग का कीड़ा था वो जो एक होते हैं, या फिर एकदम से अचानक से बस इंडस्ट्री में आ गए? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, अचानक से तो आई केम इनटू इंडस्ट्री वे बैक. आई यूज्ड टू बी अ होस्ट. तो मैं रियली कहां पे, मैं एक शो करता था स्टाइल 360 पे, तो वो वाज अबाउट फैशन, कपड़ों के बारे में, यूथ का. आई वाज यंग देन, तो शुगर में मैंने शुरू किया एंड दिस गॉट यू नो गुड. तो आई डिड अबाउट 300 एपिसोड्स एंड आई वाज डन विद इट. And I said, बस मैंने अब नहीं करना, बिकॉज आई वॉज होस्टिंग फ्रॉम लाहौर, चैनल कराची में था, इट वॉज अ सब्सिडियरी ऑफ हम टीवी. तो देन आई क्विट दैट और फिर मैंने गैप लिया एंड देन आई सेड कि अच्छा लेट्स डू एक्टिंग. और वही जो सबके साथ होता, एक शौक नहीं था लेकिन मुझे था कि इट्स गुड, सो इट्स अ चैलेंज, सो लेट्स डू इट. काम नहीं था कि लोग आके उन्हें कहे. आई रिमेम्बर माई आंट्स, माई मदर, इवन माई ग्रैंड मदर सेड दैट एक्टर हो तुम. मतलब बिफोर दैट दे वर लाइक नहीं, सब जैसे कर रहे हैं वैसे. सो आफ्टर जलन दे वर लाइक यार नहीं, तुम तो एक्टर हो. देन यू फेल लाइक ओके आई एम एन एक्टर. चलो एक हर्डल क्रॉस हुई, सो नाउ आई हैव देयर फुल योर फैमिली एक्सेप्टेड इट. या या, आई एम एन एक्टर. तो इज इट डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर्स टू एंटर दिस इंडस्ट्री और इज इट लाइक अ वेरी इजी? नहीं, इट इज सो डिड यू फेस एनीथिंग जब इस फील्ड में? नो रियली नॉट. वाज इट इजी फॉर यू? यार दो आई न्यू के यार कैसे होता है, चैनल में एक डिपार्टमेंट होता है ड्रामा का, एक न्यूज है, एक ऐसे है. लेकिन व्हेन यू डोंट नो एनीबॉडी, किसी को नहीं जानते आप, तो आपको यहाँ पे वी डोंट हैव एनी रूट कि यार अगर इफ यू वांट टू एक्ट सो मे बी यू नो 3-4 people, you will call them, you will say कि यार मुझे करना है. बिल्कुल. उसमें से चारों कहेंगे अच्छा देखते हैं, and nobody will देखते you. तो ऐसे messages आपको करने पड़ते हैं और rejection भी मिलती है. ऐसी वैसी rejection तो it's always there. I think 6 months back it was like नहीं करेगा, ये सब सुना मैंने. I always share this because I think कि जो बनना चाहते हैं किसी भी field में rejection मिलती है. हार्ड नहीं हुए कि नहीं गिव अप नहीं किया? नहीं, होता है, होता है. ह्यूमन नेचर है, इमोशंस है, आपको हिट करते हैं. बिल्कुल हिट करते हैं. अकेले में स्पेशली बहुत ज्यादा करते हैं, यू नो सब कुछ रिपीट पे चलता है. किसी ने सुबह अगर कह दिया, मैं हमेशा मेंशन करता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि बहुत दुखी है फात, तो कोई कहता हाइट नहीं थी और आवाज का मसला है, ये मैं बनाता हूँ, मेरी बहुत पतली आवाज है, मैं बाहरी करता जाऊंगा आपके साथ ऐसे. दिस इज माय ड्रामा वॉइस. तो उस पर काम किया मैंने. उर्दू का डायलेक्ट का डिफरेंस था, बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, सो वहाँ आपका ज़रा थोड़ा सा अलग स्टाइल है. तो वो सच बातें थी, लेकिन जैसे मुझे कही गई वो रूप था. मतलब कोई मेरे जो दोस्त हैं जिस तरह डायरेक्टर्स हैं, आबिस भाई, बदर भाई, उन्होंने मुझे प्यार से कहा कि देख शेख ये खामी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. और जिनको ये पॉइंट मिल गया कि इसके अभी विल हर्ट हिम,
तो ये कहते थे यार तेरा मसला ये है, तेरा ये मसला है, कोई भी इशू बना लेते थे रिजेक्शन के लिए। तो वो करते 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 मुझे अब I always say this के आप बताते जाएं मैं करता जाऊंगा। Then how did you get your first project? Like किस तरीके से आपको मिला? यार थोड़ा सा लकी था मैं जब मेरे होस्टिंग डेज थे I did interview फहद मुस्तफा और वो बैकस्टेज था हम टीवी का ब्राइडल कटियोर का I used to be their backstage host। तो वहाँ मेरे उनसे मुलाकात थी and you used to see my show that 11 number। तो उन्होंने मुझे पहली बार किसी बड़े सेलिब्रिटी ने अगर मुझे कहा ना कि मैं देखता हूँ तुम्हारा शो तो दैट वाज हिम। तो मैं जब कराची में आई वाज अबाउट टू लीव आई जस्ट टेक्स्टेड हिम, मेरे पास नंबर भी नहीं था, आई कॉल्ड समबडी एंड आई टेक्स्टेड हिम एंड ही वाज द ओनली गाय हु रिप्लाइड। नोबडी रिप्लाइड। आई न्यू पीपल फ्रॉम हम टीवी पर वहाँ के लोग बदल गए थे तो मुझे चांस वहाँ भी मुलाकात नहीं हो पाई, किसी से नहीं मिल पाया। एक्चुअली नीडेड देम, नोबडी विल रिप्लाई यू लाइक या सो ही इज द गाय हु रिप्लाइड। लेकिन अगर मैं देन ही गेव मी द चांस, ही आस्क्ड मी क्या करने आए हो, मैं क्या एक्टिंग करने, सो ही गेव मी अ स्मॉल पार्ट के देखते हैं क्या करता है एंड आई वाज वेरी बैड डे वन आई वाज लाइक किक्ड ऑफ। तो फहद अभी क्या आपके पास ये चॉइसेस होती हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई कैरेक्टर चूज कर सकें या फिर अभी आप उस फेस के अंदर हैं कि जो आपको कैरेक्टर मिलता है और आप मैं अभी 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 15 दिन पहले आया हूं उस वाले फेस में। आई डिड से सेड नो टू 3 प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगा कि नहीं अब नहीं मुझे अब नहीं करने चाहिए क्योंकि आपको जब थोड़ा सा रिकग्निशन मिल जाए लोग पहचानने लग जाए। आई जस्ट मेट समबडी एट द स्टेडियम, आई वाज प्लेइंग मैच, देयर वाज अ गाय मतलब हार्डली 9-10 एंड ही वाज स्माइलिंग एंड ही केम टू मी एंड ही सेड इस तरह ही वाज झूले ले रहा था लड़का, तो ये अच्छे एक्टर हैं आप। सो दैट वाज योर फैन मोमेंट। दैट गिड किड ना गेव मी दैट फीलिंग कि अच्छा इसको मेरी एक्टिंग अच्छी लगती है क्योंकि वह सारे सेलिब्रिटीज थे। तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जहाँ मुझ पर लोड हो। आई वांट टू टेस्ट मायसेल्फ आल्सो बिकॉज आई एम डन विद प्लेइंग दैट गाय जिसकी लड़की चली जाती है, आई एम एक्सपर्ट इन दैट, मेरे से आप लड़की छीनोगे आई नो द इमोशंस आई कैन प्ले दैट। सो अब मुझे डिफरेंट करना है, सो अब मैं आई एम लुकिंग फॉर दैट। आई सेड नो टू 3 प्रोजेक्ट्स एंड यस्टरडे आई सेड यस टू 1 बिकॉज दैट वॉज टोटली समथिंग विच आई थिंक एक एक्टर का ड्रीम होता है। किस चीज के ऊपर आपने यस किया है? याद वो बता नहीं पाऊंगा, वो मेरा सर फाड़ देंगे पर थोड़ा सा तो यार पहली बार हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट द बॉय, इट्स द स्टोरी इज अबाउट द बॉय, हिज जर्नी, हिज फेलियर्स, इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द बॉय। लड़कियां आएंगी जाएंगी, इट्स ओनली अबाउट हिम। किसी टॉपिक के ऊपर है? यार टोटली इट्स लाइक अ मूवी, 4 गाने हैं उसमें। ओह नाइस। सो 13 एपिसोड्स हैं तो इट It was going to be a movie, लेकिन then आपको पता है सिनेमाज आगे एक मैंने की है वो भी पड़ी है तो अब ये है कि इसमें है लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरे दिल से उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मतलब मैं दूसरे सर पर डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, सुहेल जावेद। अच्छा ठीक है, सुहेल भाई द ग्रेट, उन्होंने मुझे टीज इन अ लॉट के हीरो मुझे सुहेल जावेद ने बनाया। Oh, he gave me that title roles. Oh, nice. नाम क्या रखा maybe. So he is always there. तो कब देख रहे हैं हम वो ड्रामा? यार वो भी तो रोल पे जा रहेगा, फिर आएगा। ठीक है ठीक है, विश मिला। अच्छा तो जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके ऊपर तो फिर मुझे पता लगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी जी लिटरली जिनका ये कॉन्सेप्ट वो है ना माइंड के लोग मीडिया में आके एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो आई रियली वांट टू टेल ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन से पैशन होता है एक्टिंग मीडिया ये फील्ड, तो जल्दी आ जाते हैं। अब आप उनसे ये चीज नहीं छीन सकते, उनकी उनकी नॉलेज, उनका एक्सपोजर, इट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो अब मैं था आई वाज के मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे ECCA करना है और ये करना है। वो सब करने के बाद थिंग्स चेंज बिकॉज अल्लाह जो है वो ग्रेट प्लानर है। मैं जो मर्जी सोच लेता आज मैं यहाँ आपके ऑफिस बैठा हूँ, इट वाज रिटन। तो अब कई लोग जो है वो जल्दी आ गए हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं गए पढ़ने, और कई है जो पढ़ के वापस आए हैं, सो दोनों ठीक है। तो जब वो पढ़ रहे थे ECCA तो ये नहीं हुआ कि नहीं आई थिंक मुझे मतलब उसी चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए? अच्छा ड्यूरिंग दैट मैंने इंटर्नशिप की इन लंडन फॉर लाइक 4-5 मंथ्स अकाउंटेंसी फर्म में, सो मुझे पता चल गया था दिस इज नॉट। कौन सी अकाउंटेंसी फर्म में? यार उसका नाम भी भूल गया मैं, शहजाद एंड को करके कुछ था। अच्छा, मैं पर्ची से गया था वहाँ बिकॉज वहाँ मिलती है वहाँ, तो लाहौर से किसी ने पर्ची लगाई, मैं वहाँ पहुंचा, मैंने 6 महीने का कार्ड लिया कि मैं इससे आगे जॉब लूंगा, मैं वापस आया होस्टिंग करने लग गया। सो हाँ मैं यहाँ गया था एक बैंक में उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में, सो दे किक मी आउट। Why? उन्हें कपड़े नहीं अच्छे लगे
क्यों पता नहीं कपड़ों के ऊपर कौन किसी को यार वो है? कुछ है मैंने कहा ना हर फील्ड में आपको मिलेंगे अच्छे लोग लेना चाहेंगे राम बैंक यू डोंट वांट टू उनकी ऐड करनी होगी अच्छा बैंक अच्छे सब बैंक अच्छे अच्छा जब आपको गाने का भी शौक है राइट नहीं शौक नहीं था आई बिलीव इन दिस मैंने वीडियोस देखी आपकी राइट ना मैं बॉडी बनी मुझे तो वैसे तो क्रिकेटर बनना था फ्रॉम डे वन ओह माय गॉड तो वो मैं बनते बनते रह गया बिकॉज़ वो भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट है काश मैंने उनको सलाम नहीं किया उन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया अगर वो सलाम किया होता तो आज मैं किसी ग्राउंड में किसको सलाम नहीं किया वो थी मेरी पर्ची मेरी पर्ची है मेरे पास हमेशा होती किसी को पर्ची चाहिए ना तो आप प्लीज वार्षिक के पास आए ये भी कहते हैं लोग मुझे तो अगर वो ना होता तो मैं दोबारा पढ़ाई में मत जाता लंदन ना जाता वापस ना आता मैं क्रिकेटर ही होता तो आई बिलीव इन दिस कि आपके पास एक लाइफ है हम लोगों की रिलीजन में ना वो नहीं है कॉन्सेप्ट कि बार बार वापस आना है सो यू गॉट वन लाइफ लिव इट तो मुझे अगर सुबह उठ के होगा ना कि मुझे डायरेक्टर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है मैं बन जाऊंगा मतलब मुझे सुबह सुबह एकदम YouTube अब हम सबको YouTube ही तो नहीं नहीं शौक होते रहते हैं आपको हाँ 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 मतलब अभी मेरी एक जीप बन रही है मेरा एक कैफे रेसर बन रहा है मैं एक्टर हूँ ठीक है मैं गार्डनिंग करने लग जाता हूँ यू गॉट वन लाइफ लिव इट आई एम लिव इट तो एकदम मुझे हुआ कि यार गाने गा के देखते हैं इसमें क्या खरीद लो गाने क्योंकि हमारे मुल्क में बिकते हैं ना गाने तो मैंने कहा खरीद लो करेंगे और फिर वही शौक पूरा कर लिया मैंने सो इट्स देयर सारे शौक पूरे हाँ, कर लिए हाँ। अब कौन सा शौक है जो आ रहा है आपका यार अब मुझे ना एक साल से बहुत शौक है कि मुझे ना लोग एक्टर माने अच्छा ओके हीरो नहीं हीरो हम ये लड़के खड़े सब हीरो हर कोई अपनी लाइफ का हीरो होता है आप मेरे साथ नीचे चलो सामने आई थिंक फुटपाथ पे एक लड़का बैठा है उसने भी मैंने उससे एड्रेस पूछा था उसने मुझे कहा मैंने कहा यार वो यहाँ रनवे पाकिस्तान नहीं पता वो भी हीरो है तो एक्टर बनना जो है ना वो मेरा मिशन है कि मुझे एक्टर आप मुझे मुझे कोई कहेगा ना कि आप एक्टर हो यार वेरी गुड उसमें ये हुआ कल जिम में मुझे एक मिली उन्होंने मुझे कहा वेरी गुड एक्टर वो लाइन है बाकी तो हर लड़का जिम चला जाता है धूप से बच के गोरा भी हो जाता है बाल भी बनाने आते हैं मैं आपके शो पे नहीं आया बाल बना के सॉरी लेकिन ये सीन है प्लीज कंगन आके नहीं नहीं वो आया मेरे पास तो ये सीन है आपको मुझे अब एक्टर बनना है और ये ऐसा काम मैंने छू लिया है जो नेवर ये आप पीछे नहीं हटते जो नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग है मैं कभी भी नहीं ये लाइन बोल पाऊंगा अब मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ ये हमेशा ही होगा आई एम लर्निंग वो लर्निंग में मैं 100 ड्रामे कर जाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो ऐसा कभी फील हुआ है कि कभी आप गए हो तो आपको एक्चुअल फैन मोमेंट फील हुआ है किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया हो कि ओ माय गॉड दिस इज फार शेख अ बिग फैन मोमेंट लाइक ये तो डेली होता है लाइक डेली तो डेली होता कोई ऐसा जो आपको बहुत बहुत अच्छे से फील हुआ हो बच्चे का वो अब जो मुझे याद है मतलब वो दैट किड डिडंट आस्क मी फॉर पिक्चर नथिंग वो झूल रहा था डांस कर रहा था एकदम उसने यूं देखा मुझे अच्छे एक्टर हैं आप गुड मैं कहा यार ये तो वेरी गुड तो ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं बाकी अब तो आफ्टर जलन चीजें ही बदल गई हैं अब हमें फोन आ जाते हैं कि ये ड्रामा करना है पहले मैं इंतजार करता था कब बजेगा ये फोन I just told you कि मैं ड्रामे नहीं करता जो जरा माठे होते माठे in the sense like मेरे लिए कुछ नहीं है उसमें आपके कोई कैरेक्टर कुछ भी नहीं strong character मैं आऊंगा आगे कहूंगा जी अम्मी मैं आया अम्मी मैं आ गया अच्छा मैं सोने लगा खत्म एक डे बिल्कुल तो अब तो एक्टिंग आपने अपने आप को टेस्ट करना है और यही एक एक्टर की जीत होती है जब वो आगे जाए बिल्कुल कोशिश करे और ट्राई करे और वी हैव गुड एग्जाम्पल्स इमरान अशरफ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स वी हैव बिलाल तो ये वो लड़के हैं जो आपको क्या लगता है इनके पास 100-100 स्क्रिप्ट आते हो दे चूज दैट वन जहां उनको पता है कि यार हमने कुछ करना है कुछ डिफरेंट कब तक मैं दो बहनों का एक ही वो रहूंगा या फिर कब तक मैं दो लड़कियों के बीच में फंसा रहूंगा अच्छा वो अच्छा होता है अच्छा होता है ड्रामा वही चलता है तो मैं वो भी करूंगा अगेन ऑन रिकॉर्ड आपने दोनों चीजें करनी है अब मैं ये भी नहीं कि मैं अकेला बैठ जाऊं साल में एक ड्रामा करूं नहीं मैं वर्कहॉलिक हूं मुझे आदत है काम करने की नहीं करूंगा तो कुछ खराब हो जाएगा बिल्कुल अच्छा तो आजमाइश किस तरीके से आपके पास आया था यार जो नहीं थी उसकी स्क्रिप्ट हरम आपको मिलते हैं ड्रामे इट्स अगेन फ्रॉम बिग बैंग फार मुस्पा का प्रोडक्शन हाउस है मेरा स्टार्ट वहां से हुआ सो दे नो कि मैं मेरा क्या पोटेंशियल है मेरा क्या कमिटमेंट है मैं कैसा हार्डवर्किंग हूँ एवरीबडी वॉन्ट समबडी के जो एफर्ट पुट करे टाइम पर आए खिचखिच ना करे नखरे ना हो और आई एम लाइक दैट फ्रॉम डे वन तो मैं जिसके साथ काम करता हूँ तो मैं रिपीट एक्टर हूँ okay. जितने भी डायरेक्टर्स हैं मेरे डायरेक्टर ही ज़्यादातर दोस्त हैं क्योंकि मुझे काम करना है
तो बिग बैंग ऑलवेज अभी जिस तरह अभी आजकल भी मुझे वो अगला ड्रामा इट्स इन द पाइपलाइन कि अच्छा अब शेख ये करेगा okay. अच्छा अगला ये करेगा सो इट्स लाइक माय होम आई एम ऑलवेज देयर अभी मैंने यहां से भी वहीं जाना है अच्छा सेट पे जाने भी नहीं बिग बैंग के ऑफिस अच्छा बिग बैंग के ऑफिस अच्छा अच्छा तो अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें जी आई सपोर्ट वुमेन राइट्स हमारे यहां इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के ड्रामास क्यों नहीं आ रहे हैं जहां इस तरीके के ड्रामास बन रहे हैं जहां पे सिर्फ स्टार्ट के अंदर औरत को सिर्फ मजलूम दिखाया जाता है एंड देन एक जर्नी होती है एंड देन फिर उसको दिखाया जाता है एज अ स्ट्रांग वुमन हम लोग ऐसे ड्रामास क्यों नहीं बना रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही एक औरत को बहुत ही स्ट्रांग दिखाया जाए डोंट यू थिंक ये मीडिया जो है एक रोल प्ले करती है इन सारी चीजों के अंदर डेफिनेटली इट डज यू सिंगल या यू सिंगल आई एम अनफॉर्चूनेटली आई एम अच्छा अरे सीन ये है कि अब जब भी आप रिलेशनशिप में आई मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ भविष्यवाणी करता हूँ प्लीज डू व्हेनेवर यू गेट मैरिड शादी के बाद आपको लगेगा कि आपके साथ जुल्म हो रहा है विदाउट एनी रीजन यू विल फील दैट कि मेरे साथ जुल्म हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है और ये सबको लगता है और इसलिए बिकता है ठीक है या आपने मुझे कॉल करनी है आफ्टर 5-6 इयर्स कि यार फाद आप लड़की स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है आप अगर स्टैट्स देखो तो उनकी रेटिंग नहीं आती ठीक है और ड्रामा बन रहा है पैसों के लिए दोस्त प्रोडक्शन हाउस ने भी पैसे कमाने हैं चैनल ने भी पैसे कमाने हैं एनजीओ नहीं है एज एन एक्टर आप लोगों के ऊपर क्या मैं लड़की नहीं हूँ तो लड़कियों का क्वेश्चन है प्रमोट किया जाए उन सारी चीजों को किसी भी ड्रामे में औरत के साथ ज्यादा नहीं हुई मेरे साथ हुई है शादी की मैं प्यार करता हूँ डे वन से उससे तो फाद अगर हम बात करें सोशल मीडिया की जैसे ब्लॉगर्स एंड सेलिब्रिटीज हैं जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी जी आपको लग रहा है कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहे हैं वो उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लेकिन जो आप कहते हैं वही इट इज इट्स लाइक दैट एवरीवेयर इंडिया अमेरिका हॉलीवुड यूके सेलिब्रिटीज का काम ही है जैसे रोनाल्डो ने कोक हटाई है तो क्या हो गया था सो आई अंडरस्टैंड यप तो सर डू यू बिलीव कि हम लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी आप लोग पूरी कर रहे हैं क्या आप अपने सोशल मीडिया को उस तरीके से लेते हैं कि अगर कोई चीज उठती आती है कोई तो आप आवाज उठाते हैं आई टेक इट सीरियसली मैं आवाजें नहीं उठाता क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीजें होती हैं कुछ लोग आवाज उठाते हैं जस्ट फॉर द पीआर कि ये मैं लगाऊंगा तो आगे से हो जाएगा जैसे आई थिंक एक चीज है कि आप किसी की हेल्प करें तो वो कहते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले तो यहाँ तो सोशल मीडिया पे लगाने का तो कोई तुक्की नहीं बनता ना मतलब एक हाथ के आप तो अरबों हाथों को दिखा रहे हो सेम गोज फॉर दैट हाँ कुछ गलत हो जैसे अभी व्हाट आई डिड अभी दैट हिट मी उमर शरीफ साहब वाला इंसिडेंट तो दैट्स व्हाट आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए मुझे भी टैग करना चाहिए खान साहब को और मुझे कहना चाहिए कि यार प्लीज हेल्प हिम ऐसे काम लेकिन हर चलती गाड़ी में मुझे नहीं बैठना कि ये हो रहा है तो मैं भी बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं मैं कुछ नहीं सोच रहा मैं शूट पर हूं मैं बिजी हूं सो डू यू थिंक कि और जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो इस यार आई थिंक वो ये भी मिसयूज कर रहे हैं उसको इस तरीके से उनका बिक भी रहा है ना ये चीज मतलब हां बिक रही है मतलब दे आर रेलेवेंट फॉर दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल आर फॉलोइंग देम के ये क्या कहेगा इस बारे में इस चीज के बारे में क्या कहेगा तो अगेन इट्स ऑलवेज सप्लाई एंड डिमांड उस चीज की डिमांड है दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट अगर नहीं होगी तो वो नहीं करेगा नहीं करेगी बिल्कुल तो ये एक गिव एंड टेक है आप ये नहीं कह सकते हाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए मैंने कभी स्क्रीन पे सिगरेट नहीं पिया क्योंकि मैं पीता नहीं और मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए ये क्योंकि लोग फॉलो करते हैं मेरी इतनी सी है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा मैं कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना तो वो दुखी है और वो कमरे में मैंने कहा नहीं वो दुखी है मैं आंखों से बता दूंगा वो सिगरेट पी के दुखी नहीं होगा तो यानी आप कोई भी सिगरेट वाला सीन नहीं करता मुझे बहुत जिद करके हाथ में पकड़ना पड़ा था वो अर्ली स्टेजेस थी एक दो ड्रामास में मैं ना कर चुका था तो डायरेक्टर जरा गुस्से में आ गए थे रूड हो गए थे तो मैंने कहा जी मैं हाथ में पकड़ लेता लेकिन मैं पीऊंगा नहीं ठीक है सही है तो मैं ऐसी कोई चीज पोस्ट भी नहीं करूंगा ठीक है सही है ऑलमोस्ट हमने एक तरीके से सारे पॉइंट्स को जितना मैं कर सकती थी मैं इन टच कर लिया डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम आपके और चीजों के ऊपर बात करूंगी ठीक है सो या थैंक यू फॉर कमिंग बाद
and I really, really wish for your, like, best of luck for your next project and all. Thank you so much. मैं definitely आपके set पे आने वाली हूँ. Yeah, please do come. Go into set. Yeah, thank you so much. Thank you.